गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर सोमवार को कांवड़ यात्रा को देखते हुए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या 1 कैबवे के सामने एक लावारिस बैग मिलने की सूचना रेलवे स्टेशन स्थित कंट्रोल रूम को मिली, जिसको गंभीरता से लेते हुए कंट्रोल रूम ने सूचना जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर तीनों ही विभागों के सुरक्षाकर्मी, अधिकारी, डॉग स्क्वाड, मेडिकल विभाग, क्विक रिलीफ टीम और एलआईयू के जवान अत्याधुनिक बम निरोधक मशीनों के साथ प्लेटफार्म नंबर 1 पर पहुंचकर उक्त लावारिस बैग की सघन तलाशी ली, जिसमें एक जोड़ी कपड़ा और एक ट्रांजिस्टर बरामद हुआ। बैग में अन्य कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। सुरक्षाकर्मियों ने राहत की सांस ली और फिर रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस संबंध में जीआरपी क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि प्लेटफार्म संख्या 1 पर यात्रियों से भरे लाउंज में एक लावारिस बैग रखा हुआ है, जिसके बाद कंट्रोल रूम में इस सूचना को संबंधित विभागों और सिविल पुलिस को बताया गया, जिस पर समय रहते ही मौके पर सभी टीमें पहुंचकर बैग की तलाशी में जुट गईं, जिसमें एक जोड़ी कपड़ा और एक ट्रांजिस्टर मिला। इस प्रकार से रेलवे पुलिस, जीआरपी और सिविल पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से रिस्पांस टाइम देखा गया। साथ ही आरपीएफ के एएसपी श्रेयांश चिंचवाड़े ने बताया कि सावन के महीने में रेलवे स्टेशन पर कांवड़ियों की भीड़ रहती है, ऐसे में आज सोमवार के दिन कांवड़ियों की कुछ ज़्यादा ही भीड़ देखने को मिली। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी को ध्यान में रखते हुए यह मॉक ड्रिल करके यह आश्वस्त किया गया कि आप सभी सुरक्षित हैं और आप सभी के लिए जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस लगी हुई है। वहीं सीओ कैंट रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा कि मॉक ड्रिल से रेलवे पुलिस, जीआरपी और सिविल पुलिस की तालमेल से संयुक्त अभियान के द्वारा आपातकालीन स्थिति में निपटने की तैयारियों को परखा गया। इस मौके पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी क्षेत्राधिकारी उमाशंकर सिंह, आरपीएफ के एएसपी श्रेयांश चिंचवाड़े और सीओ कैंट एएसपी रोहन प्रमोद बोत्रे ने कहा। आज अभी 10:40 के आसपास प्लेटफार्म नंबर 1 पर गेट संख्या 7 के सामने एक लावारिस बैग मिलने की सूचना प्राप्त हुई। कंट्रोल रूम द्वारा संबंधित को अवगत कराया गया। तुरंत ही फास्ट रिस्पांस देते हुए जिला पुलिस की टीम, डॉग स्क्वाड, बीडी स्क्वाड मौके पर पहुंची। जिला पुलिस से एएसपी कैंट सर और आरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट आए और जीआरपी, आरपीएफ के सारे जवान मिलके उस जगह को कॉर्डन किया गया। बैग को चेक कराया गया, उसमें कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। ये चेकिंग सावन मेला के परिप्रेक्ष्य में सक्रियता से की जा रही है और हम रिस्पांस टाइम देख रहे हैं कि सूचना मिलने के बाद कितनी जल्दी टीमें पहुंच जा रही हैं। तो संतुष्टि मिली, लावारिस बैग में कोई सामान नहीं मिला और हमारी जो एक्शन टीमें थी वो समय से और जल्दी पहुंच गई।
जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन मेला चल रहा है और कांवड़ियों का भी भीड़ है और यात्रियों का भीड़ है, तो इस मुद्दे को नज़र रखते हुए सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम और अपना जो प्रिपरेशन है वो देखने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था, जिसमें जीआरपी सिविल पुलिस के साथ आरपीएफ की पूरी टीम ने सहयोग दिया था। आरपीएफ की पूरी टीम गोरखपुर स्टेशन की और महिला कांस्टेबल, महिला अधिकारी और उसके साथ आरपीएफ का डॉग स्क्वाड भी आया था, जिसने ये चेक किया कि जो संशयित बैग है उस बैग को स्निपर डॉग ने चेक करके बताया कि इसके अंदर बम रखा है या नहीं है। तो जब उसने चेक किया तो ये पता लगा कि इसके अंदर कोई बम जैसी वस्तु नहीं है, तब ऑल क्लियर का मैसेज दिया गया। तो ये प्रिपेयर्डनेस देखने के लिए एक मॉक ड्रिल गोरखपुर स्टेशन पे आज किया गया था। आज कांवड़ यात्रा को लेके एक मॉक ड्रिल किया गया सिविल पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ द्वारा। उसमें एक प्रॉपर मॉक ड्रिल की गई, सारे प्रोसीजर्स उसमें फॉलो किए गए, डॉग स्क्वाड भी थे उसमें और बीडी स्क्वाड भी उसमें था। चेकिंग इस तरीके से नहीं की, एक प्रॉपर मॉक ड्रिल की, जिससे एक अगर कुछ अटैक होता है या किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने के चांसेस होते हैं तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है।